हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके प्रश्न में भारत आईक्यू में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 16 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज आज है वर्ल्ड ओजोन डे। 16 सितंबर है आज, तो ये हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। इसके लिए मैंने एक न्यूज़ भी कवर की आगे, तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे इसे हम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन डे मनाया जाता है। आगे देखते हैं। तो पेज नंबर 1 पे यहाँ पे न्यूज़ है, ये बात की जा रही है डेटा वैज्ञानिक, डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं। तो ये डेटा साइंटिस्ट का ये यहाँ पे पूरा का पूरा इशू चल रहा है कि फेसबुक के अंदर और कई सारी आजकल एमएनसी जो हैं वो डेटा साइंटिस्ट अपॉइंट करती हैं। इनका काम क्या रहता है? डेटा की माइनिंग करना, डेटा को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज कराना है, डेटा से किस प्रकार से एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, ताकि वो अपनी पॉलिसी बना सकें, किसी को अपने एडवर्टाइजमेंट करने हैं उनको ला सकें। तो यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्शंस को लेकर के, कि डेटा साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है इलेक्शंस के अंदर। भारत के अंदर फेसबुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि डेटा साइंटिस्ट ने किस प्रकार अपने इनपुट दिए हैं और इलेक्शन को प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। एक एक तरफा पार्टीज को बेनिफिट दिलाने की कोशिश की गई है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा है। तो डेटा को आज के समय में एक न्यू ऑयल भी कहा गया है। न्यू ऑयल मतलब कि एक तरीके से जैसे क्रूड ऑयल को हम देखते हैं तो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसी प्रकार से डेटा भी आज के समय में न्यू ऑयल बोला गया डेटा को। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है डेटा, तो इसीलिए ये बात की गई है पूरी डेटा साइंटिस्ट की। तो अगर आपसे कभी कुछ इससे रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा साइंटिस्ट क्या है, डेटा क्या है, डेटा को न्यू ऑयल बोला गया है। तो ये कुछ एक फैक्ट है यहाँ पे कवर मैंने किया है। तो यहाँ पे पेज नंबर 1 पे एक ये न्यूज़ कवर की गई है। तो यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बात कर रहे हैं, भारत चीन के बीच तनातनी चल रही है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेवेंट कुछ फैक्ट है, यहाँ पे संप्रभुता और अखंडता की बात की गई है। तो इनसे संबंधित कुछ हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वहाँ पे 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको पता होना चाहिए कि ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। इसके अलावा प्रस्तावना कुछ और शब्द हैं आपको देखना जरूरी है, संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, पूछे भी गए हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 की बात की जाती है, पार्वती नदी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बता दूं पार्वती नदी, ये यहाँ पे बताया गया इसके बारे में, पार्वती नदी का उद्गम है सीहोर एमपी से होता है ये, और राजस्थान के बारा में प्रवेश करके ये पालिया कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ पे किस नदी में मिल जाती है, तो चंबल नदी में आगे जाके मिल जाती है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि ओजोन दिवस से संबंधित कुछ फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ अभी। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा और बड़े अच्छे से ये देखिएगा आपने। तो विश्व ओजोन दिवस 2020, इसकी थीम है जिंदगी के लिए ओजोन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। और ये 35वां ओजोन परत सुरक्षा दिवस मना रहे हैं इस बार 2020 में। इसके साथ साथ इसमें कुछ कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था और इसे 1988 में लागू किया गया था। इसके साथ साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि 1987 में आया था और इसके आधार पर ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो मनाने की संकल्पना आई है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आई है जो कि 1987 में हुआ था। इसके साथ साथ यहाँ पे है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर। तो इसने कहा है कि कोरोना काल के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर में कमी देखी गई है। तो ये उन्होंने कुछ रिसर्च किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर में कमी देखी गई है कोरोना काल के दौरान, क्योंकि कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही थी। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं गुड ओजोन और बैड ओजोन क्या होता है। तो गुड ओजोन बोलते हैं, यह स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत पतली पारदर्शी परत होती है, इसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। मतलब कि ओजोन की जो परत होती है जो कि यूवी रेस से हमको बचाती है, उसको हम कहते हैं गुड ओजोन। ये स्ट्रेटोस्फीयर मिलती है, यानी कि ऊपर वाली परत में, थोड़ी सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पे अगर ओजोन मिलती है तो उसको बोलते हैं बैड ओजोन। मतलब कि निचली परत में यदि ओजोन गैस पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं बैड ओजोन, जो कि ट्रोपोस्फीयर में यदि पाई जाती है तो उसको हम बैड ओजोन के नाम से जानते हैं। तो पता होना चाहिए गुड ओजोन और बैड ओजोन क्या होते हैं। इसके साथ हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संकल्पना, इसमें 2050 तक ओजोन परत पर नुकसानदेही तत्व हैं उनको कमी करने की बात की गई थी। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ था उसमें कहा गया था 2050 तक हमें जो भी नुकसानदेही तत्व हैं ओजोन को उनमें हमें कमी करनी है, तो ये यहां पे बात की गई थी। इसके साथ साथ इसमें बताया गया था कि इस प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ था 2016 में। तो वहां पे एक रवांडा, रवांडा एक कंट्री है, उसके अंदर किगाली एक जगह है, तो वहां पे कुछ समझौता हुआ था, इसको हम बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये समझौता हुआ था, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कहां हुआ था, रवांडा के किगाली में। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि सब देश अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है उनको, क्योंकि यूएस की कंडीशन अलग है, भारत की कंडीशन अलग है, क्योंकि यूएस में पॉपुलेशन कम है, भारत के अंदर पॉपुलेशन बहुत अधिक है, चाइना के अंदर पॉपुलेशन बहुत अधिक है। तो उसी प्रकार से इसको बताया गया कि अपनी अपनी अलग अलग जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको निर्वहन आपको करना है, ताकि हम ओजोन परत को नुकसान होने से बचा सकें आगे।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ बताया कि ओजोन क्षरण के कारण पृथ्वी पर यूवी किरण बढ़ जाती हैं, जिससे कि हमारी स्किन को नुकसान होता है, कैंसर वाले रोग काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ये इसका प्रभाव है यूवी रेज का, जो कि ओजोन परत में छेद होने के कारण पाया देखा गया था। तो इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार जो भी जो घटक हैं उनके बारे में बताया गया यहाँ पे, तो ये आप नोट कर लीजिए, CFC, HCFC, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमो, न्यूरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और क्लोरो ब्रोमिथाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम, आपसे एग्जाम में पूछे सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो आप नोट कर लीजिएगा इनको। तो ये यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, न्यूज़ कवर की गई है एडिटोरियल के अंदर। इसमें कुछ और फैक्ट हैं भी, इसमें बताया कि वायरस में म्यूटेशन, अर्थात म्यूटेशन का मतलब है परिवर्तन, ये समय समय पर होता रहता है। म्यूटेशन वायरस के अंदर म्यूटेशन होता रहता है, और म्यूटेशन में ब्रोमीन एवं क्लोरीन की भूमिका रहती है। ये भी बात बताई गई है कि म्यूटेशन के अंदर ब्रोमीन एवं क्लोरीन की भूमिका रहती है, दोनों की दोनों गैसें हैं ये, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो ये फैक्ट ऐसे संबंधित कुछ आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर 7 पर बात की जा रही है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, इसे 1660 में औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीवी दिलस बानो बेगम की याद में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे भी इससे संबंधित कुछ न्यूज़ कवर की गई है। तो इसे बताया कि यूपी के सीएम ने हाल ही में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास बन रहे संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का आदेश दे दिया है। मतलब ताजमहल का जो पूर्वी गेट है उसके पास पे संग्रहालय बन रहा है, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का आदेश दे दिया है यूपी सीएम ने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ ये बताया कि 1666 में शिवाजी महाराज औरंगजेब के बुलावे पर आगरा आए थे और उनको धोखे से कैद कर लिया गया था वहाँ पर। तो ये भी बताया गया इस फैक्ट में, तो पता होना चाहिए कि शिवाजी महाराज 1666 में आगरा भी आए थे। अब बताया गया कि मुगल शासन की जो स्टार्टिंग होती है वो 1526 से लेके 1857 तक चलता है। तो बाबर के द्वारा मुगल शासन की नींव 1526 में रखी जाती है पानीपत की लड़ाई के दौरान, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर रहते हैं। मैंने जो आपको 1857 का समय बताया है, इस समय तक मुगल शासक बहादुर शाह जफर ये अंतिम शासक बताए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इससे संबंधित सारी की सारी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर किया गया है। ये बीबी का मकबरा के बारे में बताया गया, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं, तो सारे के सारे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए एग्जाम्स के अंदर, आगे भी पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। तो ये बात की जा रही है भारत में विदेश से लगभग 70% पाम ऑयल का आयात होता है, मतलब कि भारत के अंदर रिफाइंड हम जो खाते हैं वो तकरीबन 70% हम विदेश से आयात कर रहे हैं। और इसको बताया भी गया है यहाँ पे कि पाम ऑयल किडनी एवं हृदय के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है पाम ऑयल, और भारत चाह रहा है कि इसमें हम आत्मनिर्भर बने। तो भारत में प्रयास कर रहा है कि हम क्यों ना भारत के अंदर ही इसका उत्पादन बढ़ाएं अपने यहाँ पे, क्योंकि केवल महज 30% ही उत्पादन भारत के अंदर होता है पाम ऑयल का, और हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये न्यूज़ कवर की गई है, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम जो रिफाइंड खाते हैं वो कहाँ से आता है मैक्सिमम। पेज नंबर 10 पर बात की गई है लेमुआ। लेमुआ क्या होता है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये 2016 में साइन किया गया था सैन्य संबंध को मजबूत करने के लिए, भारत और यूएस के बीच में ये साइन किया गया था लेमुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। तो अभी ये न्यूज यहाँ पे कवर की गई है कि भारत का एक जहाज है INS तलवार। तो INS तलवार की जो तैनाती है वो अरब सागर के अंदर है, तो वहां पर उसने जो अपने जहाज के लिए जो ऑयल की जरूरत होती है तो वो उसको जरूरत पड़ी थी, जो कि उसने अमेरिका के जहाज से लिया था। तो ये कैसे लिया था? क्योंकि इन्होंने लेमुआ पैक्ट साइन किया हुआ है 2016 के तहत, तो ये एक दूसरे को मदद कर सकते हैं जहां जहां टेरिटरी है इनकी। अगर भारत का जहाज अरब सागर के अलावा यूएस के पास पास भी रहता है, अमेरिका के आसपास भी जाता है, जब भी इसे कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो यूएस इसकी मदद करेगा। ये लेमुआ एग्रीमेंट के तहत ये इसमें समझौते किए गए थे। तो आई होप कि आपको इससे समझ में आएगा, ये लेमुआ पैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर 10 पर बात की जा रही है कि भारत ने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में सीट हासिल कर ली है। ये बहुत ही खुशखबरी है भारत के लिए कि भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में सीट मिल गई है। तो भारत 4 साल के लिए आगे तक इसमें रहेगा अब। तो इसमें अब भारत जो है इसमें कमीशन है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है भारत इसका सदस्य बन गया है। तो ये काम क्या करता है, ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अधीन आता है। ये काम करता है कि आयोग, ये जो आयोग है महिलाओं की स्थिति के लिए बनाया गया, मतलब कि दुनिया के अंदर महिलाओं की स्थिति कैसी है, उनको महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाए इसके लिए काम करता है। ये लिंग समानता हो सके दुनिया के अंदर इसके लिए काम करता है ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो आपको पता होना चाहिए, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि भारत इसका अभी अभी सदस्य बना है। ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को फायदा उठा सकें। यदि आपको मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।